कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक स्लाइड खुल के आएगा और नीचे ड्रैग करते ही कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर सीखने वालों को और कंप्यूटर पे काम करने वालों को जब कंप्यूटर में कुछ नया सीखने को मिलता है तो मन में बड़ी खुशी होती है कि आज कंप्यूटर में कुछ नया सीखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के 7 मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं सभी कंप्यूटर यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ मैं इन सभी चीज़ों का यूज करता रहता हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूँ। तो कंप्यूटर के सभी मैजिक ट्रिक्स सीखने के लिए इस वीडियो में इस लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। ट्रिक नंबर 1 है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर का नाम आपको देना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने बिना नाम का फोल्डर बनाया है? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको सबसे पहले बिना नाम का फोल्डर बनाना सिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और न्यू में जाकर के फोल्डर पर क्लिक कर देना है। जब भी आप कोई एक नया फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर को किसी न किसी नाम से आप सेव कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम नाम हटा करके बिना नाम का फोल्डर बनाते हैं तो क्या बन पाएगा? तो चलिए मैंने यहाँ पे नाम हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, जो फोल्डर का नाम यहाँ पे हमने दिया था वो नाम दोबारा से आ गया। तो बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर अल्ट की प्रेस करना है और उसके साथ में 0160 और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। ट्रिक नंबर 2 दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना करके जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें होती है आप उसमें सेव कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं और आप चाहते हैं आपका जो भी फोल्डर है आपके अलावा कोई दूसरा उसे ना देख सके तो आप फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपका फोल्डर का नाम है पहले आपको फोल्डर को बिना नाम से सेव करना है। तो यहाँ पर रीनेम करके कीबोर्ड से पेस्ट कर देता हूँ Alt 0160 और इंटर कर दिया तो फोल्डर का नाम हट चुका है। अब फोल्डर को हाइड करने के लिए राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कस्टमाइज में जा करके नीचे चेंज आइकॉन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे की ओर जा करके ये दिया हुआ हिडन आइकॉन है, ये देखिए यहाँ पे 2 हिडन आइकॉन दिए हुए हैं, आप किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए और दोबारा से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपका फोल्डर है यहाँ पे राइट क्लिक करके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका फोल्डर यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो जो भी आपका फोल्डर है आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। दोबारा से लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कस्टमाइज जा करके चेंज आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी फोल्डर का आइकॉन है उस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है 2 बार, तो आपका जो भी फोल्डर है दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फोल्डर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 दोस्तों, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं, आपको किसी भी फाइल को बिना ओपन किए हुए ये चेक करना है कि आपने किस फाइल में क्या काम किया हुआ है। तो आप चेक करने के लिए क्या करते हैं, फाइल को ओपन करके आप उसमें चेक करते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप बिना फाइल को ओपन किए ही आप ये चेक कर सकते हैं आपने किस फाइल में क्या काम किया हुआ है। तो चेक करने के लिए फाइल पर क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-P। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इस वाले फाइल में क्या काम किया हुआ है। और दोस्तों, इसका और भी विवरण पढ़ाने के लिए जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एरो बन के आएगा, इसे आपको ड्रैग कर देना है लेफ्ट साइड में। आपको जिस फाइल का देखना है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने इस वाले फाइल के अंदर क्या काम किया हुआ है। और भी इसकी विवरण बड़ी करने के लिए यहाँ पे एरो बन के आएगा, इसकी विवरण आपको बड़ी कर देनी है, ये देखिए। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और इसी पेज को दोबारा से हाइड करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-P। ट्रिक नंबर 4 दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 10-12 फाइलें हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं और आपको उनमें से किसी भी एक फाइल को सर्च करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके फाइल का नाम टाइप करके जैसे आप इंटर करेंगे तो जो भी आपकी फाइल है यहाँ पे टॉप में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी फाइल दी हुई है इनमें से मैंने किसी एक फाइल में साउथ अफ्रीका टाइप किया हुआ है लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि मैंने किस फाइल में टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों, हम वर्ड के अकॉर्डिंग भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप सर्च बॉक्स में क्लिक करके किसी भी फाइल को सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको जाना है एडवांस ऑप्शन में, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल कंटेन, नीचे वाले को अनचेक करके और आपको यहाँ पर फाइल कंटेन पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साउथ अफ्रीका, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया साउथ अफ्रीका
और जब मैं यहाँ पर इंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर वो फाइल टॉप में आ चुकी है। तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर फाइल कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी फाइलें दी हुई हैं अब आप वर्ड के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर प्लस माइनस का यूज करके आप कोई ना कोई काम करते ही होंगे। कहीं ना कहीं एमएस वर्ड में काम करते समय आपको प्लस माइनस का यूज करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्लस और माइनस का जादू दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया पहले प्लस, उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लगा दिया माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, और लास्ट में प्लस दे दिया। और जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ये टेबल बन के आ गया। आप जहाँ से प्लस स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आप माइनस देंगे वहाँ तक टेबल का एक कॉलम बनेगा। आपको टेबल को और भी इंक्रीज करने के लिए टैब की प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे टेबल आपका बनता जाएगा। ट्रिक नंबर 6, दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आप जब भी कोई फोल्डर बनाते हैं तो किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई नाम ऐसे भी हैं जिसके नाम से आप फोल्डर बना ही नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा नाम है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक न्यू फोल्डर, मैंने यहाँ पे टाइप किया कौन है। जब आप इंटर करेंगे तो इस नाम से फोल्डर नहीं बनेगा, COM1 इंटर करेंगे इस नाम से भी फोल्डर नहीं बनेगा, AUX इस नाम से भी आपका फोल्डर नहीं बनेगा, NULA इस नाम से भी आपका फोल्डर नहीं बनेगा। और कौन कौन से नाम है जिसके नाम से कंप्यूटर फोल्डर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जितने भी नाम दिए हुए हैं इन सभी नाम से कंप्यूटर फोल्डर नहीं बन पाएगा। ट्रिक नंबर 7, दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी काम करने के बाद जब आपको कंप्यूटर बंद करना हो तो आप यहाँ पर स्टार बटन पर क्लिक करके, पावर बटन पर क्लिक करके, शटडाउन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए एक यहाँ पर बटन बना रखा है। कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक स्लाइड खुल के आएगा, इसे नीचे ड्रैग करते ही कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा बटन बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इसे मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। शटडाउन का बटन बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जा करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है शॉर्टकट का, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो कोड देख रहे हैं इसी कोड को आपको इस वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। तो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। टाइप करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिस नाम से बटन बनाना है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करके और फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्टकट बन के आएगा, आप इस पर क्लिक करके भी कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट है तो अगर हम इसका आइकॉन चेंज कर देते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे दिया हुआ चेंज आइकॉन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओके का बटन आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे जो भी बटन चूज करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेड बटन है ये पावर जैसा ही है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक स्लाइड खुल के आएगा और नीचे ड्रैग करते ही कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो मुझे अभी शटडाउन नहीं करना है तो इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी मैजिक ट्रिक्स एक कंप्यूटर यूजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।